अगली खबर आ रही है यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, जहां अनुप्रिया पटेल के कार्यक्रम में उमड़ा जल सैलाब। जी हां, खबर है यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, जहां अनुप्रिया पटेल के कार्यक्रम में उमड़ा जल सैलाब। ब्लॉक प्रमुख के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष तक के पदों पर दावेदारी पेश करेगी अपना दल। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व विधायक विश्वनाथ गंज डॉक्टर आर के वर्मा पर अनुप्रिया पटेल ने साधा निशाना। पंचायत चुनाव के मद्देनजर विश्वनाथ गंज डॉक्टर आर के वर्मा के बयान पर किया पलटवार, कहा कि पार्टी का निम्न कार्यकर्ता भी बन सकता है। विधायक प्रतापगढ़ के सातों विधानसभा क्षेत्र से उमड़ा जन सैलाब, खचाखच भरे संस्कार गार्डन में बैठने की जगह हुई कम, तो सड़क पर खड़े होकर सुनने लगे लोग। कार्यक्रम में परोक्ष अपरोक्ष दृष्टि से कई नेताओं ने अदा की अहम भूमिका। अपना दल की रैली से जिले की राजनीति हुई गर्म। कार्यक्रम में पंचायत चुनाव आरक्षण, पिछड़ा वर्ग, मंत्रालय व विभिन्न मुद्दों पर अनुप्रिया ने जनता को किया संबोधित। शहर के संस्कार गार्डन में आयोजित हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। अशोक पाल जी, विशाल अहमद सोलो जी, अरुण पाल जी, चंदन जी, राम महादेव प्रधान जी, ये बड़े माले के साथ स्वागत करेंगे। और एक अनुप्रिया पटेल संघर्ष करो, अनुप्रिया पटेल संघर्ष करो, अपना दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या तैयारियां हैं पंचायत चुनाव को लेकर अपना दल की? पंचायत चुनाव को लेकर आपको झलक मिल रही है आज के इस कार्यक्रम से, हमारी तैयारियां शुरू से है। पंचायत चुनाव को लेकर अपना दल की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से है। ये छोटे कार्यकर्ता का चुनाव होता है और हमारी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता जो पूरा साल और पूरे 5 साल मैं कहूँगी कि लगातार आम जनता से जुड़े रहते हैं, उनके बीच में संघर्ष करते हैं, ऐसे छोटे कार्यकर्ताओं का ये चुनाव होता है और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ने के इच्छुक हैं और समय आने पर उनकी घोषणा भी की जाएगी। क्या रणनीति क्या रहेगी पंचायत चुनाव? अपना दल क्या सभी सीटों में प्रदेश में लड़ेगा? प्रदेश में हर जिले में हर सीट पर लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है। हर जिले के प्रभारी बहुत समय पहले हमारे बनाए जा चुके हैं और उन प्रभारियों की देखरेख में तेज़ी से हर सीट पर आवेदन की प्रक्रिया निरंतर चल रही है और पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार होंगे, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो संगठन की रीढ़ है, वो सभी चुनाव में। पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अपना दल से विधायक थे आर के वर्मा, उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया है पंचायत चुनाव में, कहा कि मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, पार्टी क्या करेगी ये महत्वपूर्ण, और पार्टी का तो हर कार्यकर्ता विधायक बनने की हैसियत रखता है। मैम एक सवाल है, अभी आप कह रही थी कि सिविल फाइनल है और आपके कार्यकर्ता भी घूम रहे थे पंचायत चुनाव को लेकर, तो क्या 2022 का जो फाइनल होने वाला है उसमें आपका साथ किसके साथ रहेगा? कहीं ना कहीं ये सवाल बना हुआ, आप भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में है। आप जानते हैं कि हमारे 9 विधायक हैं, 1 विधान परिषद सदस्य है, हमारे मंत्री भी हैं सरकार में, तो हमारे संगठन की तैयारी, हर पार्टी अपने संगठन को तैयार करती है चुनाव के लिए। हम
हम चाहे अकेले लड़े चाहे किसी के साथ अलायंस में लड़े, लेकिन हर पार्टी अपने संगठन को तैयार करती है, तो 2022 के लिए हम भी तैयार कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि भाजपा के साथ ही आप मैदान में उतरेंगे 2022 के चुनाव? देखिए 2022 के चुनाव में अभी समय है, वर्तमान समय में हम गठबंधन में हैं और 2022 के चुनाव के लिए अपने पार्टी संगठन को धार देने में हम निरंतर। योगी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं, आप गठबंधन में कैसा मानती हैं इस सरकार के कार्यकाल को? ये सरकार का जो 4 वर्षों का कार्यकाल रहा है, ये पूरी तरीके से प्रदेश के विकास को समर्पित रहा और इसमें हमने देखा सरकार की बहुत सारी उपलब्धियाँ। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में हमारा उत्तर प्रदेश 2 नंबर पे आ चुका है, यानी कि अब और ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर जो उद्योग धंधे हैं वो विकसित होंगे और लोगों के लिए रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी। हमारे यहाँ 5 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जेवर में बन रहा है, कुशीनगर में बन रहा है, आप देखिए कई शहरों में नई मेट्रो सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ, लगभग इस सरकार के कार्यकाल में मैं देखूँ तो लगभग 30 मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा चुके हैं। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है जिससे बहुत बड़ा हमारे को हम एम्फेसिस देने जा रहे हैं कि जो डिफेंस के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग है वो हम स्वदेशी करें, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के तहत करें, उसको बढ़ावा मिल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो सड़क है, एयरपोर्ट्स है, मेट्रो है, या हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल शिक्षा है।